नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएससी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। सबको पर्चा लेकर पहुंचे एसपी कार्यालय, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। देर रात बाइक से घर लौटते समय दुर्घटना में घायल हुआ था रिटायर्ड फौजी का पुत्र। आगरा इलाज के लिए ले जाते समय तोड़ा दम, साजिश के तहत की गई हत्या, दुर्घटना का दिया गया रूप। पहले आपको बता दें, परिजनों ने इस तरह गंभीर आरोप लगाए हैं। लंबे समय से चल रहा था पूर्व प्रधान का विवाद, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वही आपको ये भी बता दें कि ये पूरी घटना मैनपुरी जनपद के थाना कुर्रा क्षेत्र के पतारा त्रहे की बताई जा रही है। मैनपुरी साढ़े जा रहे थे घर पे, तो 9:30 बज रहे थे, तो उधर से एक कार आई, टक्कर मार के तो हम लोग पहचान लेंगे। जो एक लोग उतरे उन्होंने कहा ठीक है, हो गया काम। उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको मुझे लग रहा है एक्सीडेंट में किसी ने, तो एक्सीडेंट आ रहा है और इसीलिए मिल गया। नहीं तो क्या पुलिस को आपने सूचना दी थी? नहीं, सबको एसपी दफ्तर पे ले जाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था, हमारे पुराने और मामले भी हैं, पुलिस हमें सुनवाई करती ही नहीं है सर। पुलिस सुनवाई नहीं करती है, कई ऐसे मामले पड़े हुए हैं। एक इन डेड बॉडी रखी इन्हीं के 2014 में गोली लगी थी और हमारे गाँव के शिव कुमार उर्फ संतोष, रंजीत, राजकुमार, राघवेंद्र ने गोली मारी थी। नहीं तो अभी आप आरोप लगा रहे हैं किसी ने एक्सीडेंट करवाया है इनका? जी, किन 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 ने करवाया? इन्हीं ने जो जिन्होंने गोली मारी उन्हीं ने करवाया, क्योंकि कल फाइल एक कमिट हुई है। इनका 307 में नाम है, इन्होंने गोलियां मारी थी, वही फाइल कल कमिट हुई है। इसी चक्कर में इनको सजा होनी है, इनके गवाह लगने थे जिनका एक्सीडेंट किया गया। नाम क्या है उन लोगों? राम जो विपक्ष में शिव कुमार उर्फ संतोष, रंजीत, राजकुमार, राघवेंद्र।